नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सॉटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। तो दोस्तों, आज है संडे और हर संडे की तरह हाजिर हूं एक बार फिर से आप सभी के सवालों के जवाब देने हमारी संडे Q&A वीडियो के साथ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी कर ले सब्सक्राइब। दोस्तों, 50,000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट होने वाले हैं, तो जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जल्दी से हमारी जो YouTube फैमिली है वो 50,000 कंप्लीट कर ले। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं आगे और लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल, पहला कमेंट्स। पहला सवाल है यूज़र YZ1 भाई, मेरे एक बजरी तोते का पेड़ लग गया था और एक भी दिए थे और 20 दिन पहले बच्चे भी निकाल दिए, बट अब फीमेल मेल को कभी कभी मारने लग रही है। भाई, मटकी में अभी बच्चे हैं और फीमेल मेल को कभी कभी मार रही है। तो देखिए, मेल को मारने की जो वजह है वो ये है कि मेल क्रॉस करने के लिए जा रहा होगा और फीमेल अभी ब्रीड के लिए तैयार नहीं है क्योंकि मटकी में बच्चे हैं। बच्चे जब मटकी से बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे तो फीमेल ब्रीड के लिए तैयार होगी, तब वो मेल के साथ लड़ाई नहीं करेगी, मेल को मारेगी नहीं। वैसे वो मारना नहीं होता है, फीमेल बस उसे दूर हटाती है तो ऐसा होता है। तो बिल्कुल सेकंड क्लच की जब वो तैयारी होगी, फीमेल बच्चे बाहर आ जाएंगे तो फीमेल भी ब्रीड के लिए तैयार हो जाएगी और क्रॉसिंग होगी और दोबारा से अंडे भी आ जाएंगे। हार्ट ब्रोकर भाई, फीमेल मेल के पास जाती है, मेल भगाता है, कोई एक्टिविटी नहीं करता है, फीमेल दाना एक्सचेंज करती है, बस खुजाता है, बट मेटिंग नहीं करता, क्या मेल को चेंज कर दें? भाई वैसे ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि कोई भी एडल्ट मेल जो है हमेशा ब्रीड के लिए तैयार रहता है, वो आप फीमेल के साथ छोड़ेंगे तो तुरंत जोड़ा बनाने लग जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ मेल जो है वो ऐसी एक्टिविटी करने लग जाते हैं, उसकी भी एक वजह होती है, या तो वो मेल जो है प्रॉपर अभी एडल्ट नहीं हुआ है, ये एक वजह हो सकती है, या वो मेल जो है वो बीमार होगा, कोई ना कोई उसमें प्रॉब्लम होगी, या वो मोल्टिंग पर होगा, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो इश्यू होगा उसकी हेल्थ के हिसाब से, तो हो सकता है वो बीमार हो, एक बार उसे चेक कर ले। आपको लगता है कि यार फिट है फिर भी ऐसा कर रहा है तो फिर आप मेल चेंज करके भी देख सकते हैं, लेकिन आपको कुछ समय देना चाहिए। अगर तुरंत अभी छोड़ा है मेल को तो उनको एक साथ रखिए, अभी मटकी नहीं लगाइएगा, फिर देखिए आप क्या होता है, डाइट प्रॉपर दीजिए, कैल्शियम विटामिन्स भी दीजिए जो सप्लीमेंट्स हम देते हैं, फिर आप देखिएगा, अगर फिर उसके बाद भी कोई आपको रिजल्ट देखने को ना मिले फिर आप चेंज कर सकते हैं। संदीप 209 भाई, मेरे बर्ड्स का जोड़ा लग गया है, फीमेल मटकी में जा रही है लेकिन अंडे नहीं दे रही है, संडे रिप्लाई। भाई, फीमेल ने मटकी में जाना स्टार्ट किया है तो जाते ही अंडे नहीं आएंगे। सबसे पहले तो जो जोड़ा आपके पास है वो जोड़ा एडल्ट है या नहीं, मेल फीमेल कंफर्म है या नहीं, जोड़ा लगा हुआ है या नहीं। अगर जोड़ा लगा हुआ है उसके बाद फीमेल मटकी में जा रही है तो ब्रीडिंग की ये शुरुआत है। जब जोड़ा ब्रीडिंग मून में आता है, मटकी लगाते हैं तो फीमेल और मेल दोनों मटकी में आना जाना शुरू करते हैं, फीमेल कुछ टाइम मटकी में भी बिताती है, फिर क्रॉसिंग शुरू होती है और क्रॉसिंग के बाद जो है वो अंडे भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मटकी में जा रही है तो बस वेट कीजिए, जल्दी आपको अंडे देखने को मिल जाएंगे। बस आप बर्ड्स को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, बार बार मटकी को चेक नहीं कीजिएगा। फिरोज XM, विजय भाई, इस सीज़न में बजीज पेयर्स परचेस करना ठीक रहेगा क्या? अगर ठीक रहेगा तो ब्रीडर पेयर परचेस करें या फिर पट्टे, प्लीज संडे रिप्लाई। जी बिल्कुल, अभी आप बजीज पेयर्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका सवाल है कि पट्टे लें या ब्रीडर जोड़े। देखिए, आपके पास तीन ऑप्शन हैं, पट्टे, सेमी एडल्ट और ब्रीडर जोड़े, तो तीनों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पट्टे अभी आप लेते हैं तो भी अच्छा है, तो पट्टे अगर आप लेते हैं 2-2.5 महीने के तो आपको ब्रीडिंग के लिए कम से कम 1.5 मंथ या 2 मंथ और वेट करना पड़ेगा, तो आप ब्रीड पर लगाएंगे तो 2 क्लच आपको मिल जाएंगे, 2-3 क्लच भी मिल सकते हैं। और सेमी एडल्ट आप लेते हैं तो आपको जो है वो अच्छा रहेगा, मैं तो कहता हूँ आपके लिए, अगर सेमी एडल्ट आपको मिल जाते हैं ताकि आप उनसे अच्छे से ब्रीड भी ले पाएंगे, आपको समय मिल जाएगा।
अब रही बात ब्रीडर जोड़ों की, तो ब्रीडर जोड़े भी आप ले सकते हैं, लेकिन जिससे आप ले रहे हैं वो अगर आपके भरोसेमंद है, जो आपको अच्छे बर्ड्स दे रहा है, तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि या तो आप पट्ठे ले लें या सेमी एडल्ट ले लें तो अच्छा है, ताकि जो है आपके पास आके ही वो पहली बार ब्रीड करेंगे तो आपकी उनकी पूरी हिस्ट्री आपके सामने होगी, आपको सब कुछ पता चलता रहेगा किस बर्ड्स में प्रॉब्लम है किस में नहीं है। एडल्ट जोड़े हो सकता है कि आगे चलकर प्रॉब्लम हो, अच्छे जोड़े भी हों तो हो सकता है पीछे उन्होंने कितनी बार ब्रीड की ये हिस्ट्री आपको पता नहीं है, तो इससे अच्छा है कि आप सेमी एडल्ट या पट्ठे लें तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी जैसा आपको ठीक लगे, मैंने अपने हिसाब से आपको बता दिया है। जिद्दी साहिल, संडे रिप्लाई प्लीज़। मैंने अभी तक 50-60 पैर बजीस ले चुका हूँ, लेकिन किसी ने कभी एक ले नहीं किया और उनको डाइट भी बहुत अच्छी देता हूँ प्रॉपर, लेकिन बीमार होके मर जाते हैं। 30 पैर मर चुके हैं अभी तक। भाई देखिए, बर्ड्स जो हैं वो मर रहे हैं आपके पास कंटिन्यू, 50-60 पैर आप बता दी हैं आपने, तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो देखिए, मरने की जो वजह है कहीं ना कहीं उसमें आपसे गलती हो रही है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि बर्ड्स हम भी रखते हैं और बर्ड्स हमारे काफ़ी सारे भाई रखते हैं, लेकिन बर्ड्स ठीक है, बीमार होते हैं उनको हम ठीक भी कर लेते हैं, लेकिन मरने का रेशियो कभी इतना बड़ा नहीं होता है। देखिए, आप सबसे पहले तो आप बजीस पेड्स को जहाँ रख रहे हैं हो सकता है वो जगह इनके लिए ठीक ना हो, जहाँ पे डायरेक्ट जो है इनको हवा लग रही होगी, चाहे वो गर्मी में डायरेक्ट हवा लगे, गर्म हवा लगे वो भी बर्ड्स के लिए नुकसानदायक है, बारिश में ठंडी हवाएं बर्ड्स को लगे वो भी नुकसानदायक है, और सर्दी की जो हवाएं लगे वो भी नुकसानदायक है। डायरेक्ट हवा अगर बर्ड्स को लगेगी तो बर्ड्स में प्रॉब्लम होगी और वो बीमार होगा। अगर आपने रूम में भी रखे हुए हैं, आप कूलर या फैन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कब ऑन करना है कब ऑफ़ करना है इस पर आप ध्यान नहीं दे रहे होंगे, तब भी बर्ड्स को प्रॉब्लम हो सकती है। डायरेक्ट बर्ड्स को हवा नहीं लगनी चाहिए, खासकर बजरी तोतों को, जहाँ तक मैं समझता हूँ इससे बहुत जल्दी वो बीमार होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो आप नाइट में लाइट ऑफ करने का क्या तरीका है आपका, अपने बर्ड्स को आप रेस्ट देते हैं या नहीं, कहने का मतलब रात को लाइट ऑफ करते हैं या नहीं, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी सारे भाई सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि नाइट को बल्ब ऑन रखते हैं, इससे बर्ड्स उनका काफ़ी वीक हो जाता है, क्योंकि रात दिन जगना तो वो बर्ड्स उसकी हेल्थ ख़राब हो जाती है, वो बस सुस्त बैठा रहता है, तो ब्रीडिंग का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो हो सकता है ये गलती आप कर रहे होंगे। उसके बाद डाइट देने का भी तरीका होता है, जो भी आप डाइट दे रहे हैं उसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या इनके लिए सही है और क्या गलत है। बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है कि क्या डाइट देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, क्या क्वांटिटी देनी चाहिए, सारी वीडियो चैनल पर मौजूद है। उसके बाद जो है वो कैल्शियम और विटामिन्स का समय समय पर कोर्स करवाते रहना चाहिए। अब कोर्स करवाने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है, उसका जो डोज है उसका भी आपको ख्याल रखना है प्रॉपर। अगर आप डोज ज़्यादा देते हैं तब भी बर्ड्स को प्रॉब्लम होगी, बर्ड्स बीमार होगा, लूज मोशन होगा बर्ड्स को, और फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन सब का अगर आप अच्छे से ख्याल रखेंगे तो कभी भी बर्ड्स जो है वो बीमार नहीं होगा, कभी भी जो है वो मरने का तो छोड़ दो, जब बर्ड्स बीमार ही नहीं होगा, और जब बर्ड्स बीमार नहीं होगा, बर्ड्स हेल्दी और फिट रहेगा, तो ब्रीडिंग रिजल्ट भी आपको ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। तो इसका आप अच्छे से ख्याल रखिए, जितना हो सके बर्ड्स को नेचुरल रखिए, तो बिल्कुल बर्ड्स जो है हेल्दी और फिट रहता है। बाकी चैनल पर विज़िट करें, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। जितना मुझे मैं समझ पाया हूँ और जितना मुझे पता है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, बाकी आप देखें कहाँ गलती हो रही है। एच के वर्ल्ड, भाई मेरे बर्ड्स 8 दिन पहले दाना एक्सचेंज कर रहे थे पर अब दाना एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, वो मटकी में भी नहीं जा रहे हैं, प्लीज़ संडे Q&A एंड आंसर प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। भाई पहले दाना एक्सचेंज कर रहे थे अब नहीं कर रहे, तो भाई देखिए ऐसा तो तब देखने को मिलता है, या तो आपने जो है उनकी जगह बदली हो, या कोई ना कोई उनके केज में ऐसी एक्टिविटी की हो, या मटकी को इधर उधर चेंज किया हो, केज की जगह चेंज की हो, या बार बार आप मटकी को चेक कर रहे हैं, बार बार मटकी में झांक रहे हैं, तो ये वजह हो सकती है। खैर जो भी है, अभी तक जो हुआ उसको आप भूल जाएं, अब आपको ख्याल रखें, बर्ड्स को आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है, अच्छी डाइट दीजिए,
कैल्शियम विटामिन का कोर्स करवा दीजिए, नहीं करवाया तो जल्दी आपको एक्टिविटी उनकी ब्रीडिंग एक्टिविटी नज़र आएगी, क्रॉसिंग होगी, अंडे आएंगे और बच्चे भी आएंगे, बस इनको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। शुभम तिवारी भाई, मेल बजीस परफेक्ट क्रॉसिंग कर रहा है, फीमेल को कोई बीमारी नहीं है, फिर भी अंडे क्यों नहीं दे रही है, क्रॉसिंग किए हुए 10 दिन हो गए हैं, प्लीज़ रिप्लाई। भाई क्रॉसिंग प्रॉपर हो रही है, फीमेल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रॉसिंग होते हुए 10 दिन हो गए उसके बाद भी अंडे नहीं आ रहे हैं। वैसे देखिए ऐसा तभी होता है जब फीमेल को चर्बी लगी हो, लेकिन आप बता रहे हैं कि फीमेल बिल्कुल फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद भी ऐसा हो रहा है। देखिए एक तो रीज़न होता है चर्बी का, उसके बाद एक और जो है वो कारण हो सकता है। क्या कारण हो सकता है? कई बार ऐसा होता है कि मादा जो है वो मटकी में नहीं जाती है, मटकी में बिल्कुल नहीं जाती है, उसके बाद भी उसकी क्रॉसिंग होती रहती है लेकिन वो अंडे नहीं देती। हालांकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है लेकिन ऐसा भी हो सकता है। तो आप ये आपने देखा वो मटकी में जा रही है या नहीं जा रही, अगर वो मटकी में भी जा रही है सब कुछ ठीक है, क्रॉसिंग होते हुए 10 दिन हुए, तो आप कुछ दिन और वेट कर लीजिए, ठीक है, फिर भी अंडे ना आए तो भाई फिर तो एक ऑप्शन ही है कि आप फीमेल को चेंज कर लें, क्योंकि फिर फीमेल में कोई ना कोई कमी है, क्योंकि भाई सब कुछ परफेक्ट है उसके बाद भी अंडे नहीं आ रहे तो भाई फीमेल को प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम हो सकती है भाई, इस तरह की भी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ मादा है जो है वो अंडे नहीं दे पाती है, तो आप फिर बदल लें और जो मैंने बताया है वो करके भी आप देख लें, थोड़ा नज़र रख लें। यूज़र WD6P, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से मेरे यहाँ ब्रीड हो गई है। मेरा सवाल ये है, मेरे पास एक एक्स्ट्रा फीमेल है, मैं उसको ब्रीड वाले जोड़े के साथ छोड़ सकता हूँ? भाई सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, ब्रीड मेरी वजह से नहीं भाई, ब्रीड आपकी वजह से हुई है, आपने अच्छे से अपने बर्ड्स की केयर की है, जो कुछ मैंने बताया वो आपने फॉलो किया, आजमाया और ब्रीड हो गई, तो भाई क्रेडिट आपको ही जाता है। अब बढ़ते हैं आगे कि भाई एक एक्स्ट्रा फीमेल है, ब्रीड करते हुए जोड़े के साथ छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा भाई, ब्रीडिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, मादाओं में फाइट होगी और जो मादा ऑलरेडी ब्रीड पर है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसके साथ फाइट करेगी, तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, उसके साथ ऐड ना करें, उसको अलग केज में रखें और एक मेल और लेके आ जाएँ ताकि उनका भी जोड़ा लग जाए और जल्दी आपके पास ब्रीड हो। तो दोस्तों यहीं थे आज के सवाल, उम्मीद करता हूँ जो जवाब मैंने दिए हैं उससे आपको संतुष्टि हुई होगी। कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो अपने सवाल दोबारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो का आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।